रहीम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द 14th लेक्चर ऑफ कोर्स टाइटल इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद द कोर्स कोड PHYS4135। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद आजम। इन दिस लेक्चर वी अप्लाई द फार्मूला of kinetic energy to a problem. Last time हमने kinetic energy of a particle का formula हमने develop किया था और उसको हम apply करते हैं एज एन application के तौर पर। Problem हमारे पास यहाँ पे given है, a neutron with kinetic energy of 1 BeV. BeV, this is the units of energy, which means billion electron volt. So a neutron strikes to a proton which is vibrating about a fixed point in such a way that its maximum kinetic energy is 100 million electron volt. So, what are the maximum and minimum values of the relative velocities of the two particles? Assume हमने ये किया है कि हमारे पास एक particle है which is called as neutron with kinetic energy 1 billion electron volt and it strikes a proton which already has a maximum kinetic energy of 100 million electron volt. So what we need to find the maximum and minimum values of the relative velocities. जब ये आपस में टकराएंगे उसके बाद हमें maximum और minimum velocities निकालनी है इन दोनों की। After the strike, what will be the maximum minimum relative velocities of these two particles? यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है दैट द रेस्ट मैस एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। सो एक तो वो एनर्जी है जो हम कैनेटिक एनर्जी के तौर पे ले रहे हैं, वो हमें यहाँ पे गिवन है न्यूट्रॉन की 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रोटॉन की हमारे पास है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इनकी अपनी जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो इक्वल है, विच इज गिवन बाई 940 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी गिवन है, बट हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज फाइंड करनी है। देयरफॉर हमारा टारगेट यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकालनी है बाय यूजिंग द रेस्ट मैस एनर्जी एंड द कैनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो आपके पास जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे कैनेटिक एनर्जी है, राइट हैंड साइड पे एम नॉट सी स्क्वायर इज द रेस्ट मैस एनर्जी विच इज गिवन बाय 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये दोनों के लिए इक्वल है फॉर बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड वी नीड टू फाइंड वी, इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे व्हेन वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, वी रिप्रेजेंट इट एज वी एन। सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है विच ऑब्वियसली वी नो दैट सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच हैज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हम प्रोटॉन के लिए निकालने लगेंगे तो यहाँ पे हम क्रॉस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कैनेटिक एनर्जी यूज करेंगे और ये चूंकि दोनों के लिए सेम है और ये हम सेम वैल्यू ही यूज करेंगे दैट इज 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गिवन इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं यहाँ पे, यहाँ हम कह भी चुके हैं कि वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कैनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज गिवन
इसको हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज इट इज गिवन बाय बिलियन. 1 billion इज इक्वल टू 1 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं और इसकी राइट हैंड साइड पे भी चूंकि ये हमें गिवन है विच इज 940 million, देयरफॉर हमने कैनेटिक एनर्जी को भी एक सेम यूनिट्स में करते हुए इसको भी मिलियन में कन्वर्ट कर लिया. सो बाय इंसर्टिंग दीज वैल्यूज वी हैव 1 × 10³, 940, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है Vn के साथ. आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 0.875 × c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यही हम दोबारा स्टेप करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड वीपी आई मीन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और उसका चूंकि हमें ऑलरेडी गिवन है 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वो एज इट हमने पुट कर दी बिकॉज जो रेस्ट मास एनर्जी है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो यहाँ पे हमने जैसे हमने वहाँ पे एन पुट किया था, यहाँ पे वी पी हमने पुट कर दिया है. अगेन आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी हैव वी पी इज इक्वल टू 0.428 × c. सो हमने ऑप्टेन कर ली न्यूट्रॉन के लिए भी वेलोसिटी और प्रोटॉन के लिए भी. नो वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल. सो रिलेटिव वेलोसिटीज फाइंड करने उनका मैक्सिमम मिनिमम. रिलेटिव वेलोसिटी का ऑलरेडी हम फार्मूला डिवेल्प कर चुके हैं प्रीवियस अपने आर्टिकल्स में. और वो रिलेशन था हमारे पास वी वन प्राइम इज इक्वल टू वी वन प्लस वी माइनस वी और वन माइनस v1 v/c². सो यहाँ पे वही रिजल्ट हम यूज करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लेना है. सो मैक्सिमम के लिए वी यूज द फॉर्मूला एज vp + vn / 1 + vp / vn/c². दिस इज सिमिलर फॉर्मूला विच वी ऑलरेडी डिवेल्प फॉर कंपोजिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज के लिए जो हमने डिवेल्प किया था. सो हम इनकी वैल्यू यूज करते हैं. वी पी की हमने वैल्यूज निकाली है दैट इज 0.428 c. सिमिलरली वी एन की वैल्यू हमारे पास 0.875 c. डिनोमिनेटर में हम ये पुट करेंगे दिस सी और ये सी आपस में मल्टीप्लाई होगी सी स्क्वायर होगी विल बी कैंसिल आउट. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 0.948 c. This is the maximum relative velocities of the two particles. जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो डेफिनेटली मिनिमम जो है वो इससे कम ही रिजल्ट आना चाहिए और हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो कम होगा. मिनिमम के लिए हम फार्मूले में चेंज ये करते हैं दिस इज वी पी माइनस वी एन और वन माइनस वी पी वी एन ओवर सी स्क्वायर. सो जब हम अगेन यही वैल्यूज यूज करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड दैट द मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी इज 0.715 c व्हिच इज डेफिनेटली लेस देन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज हमने जो अभी निकाली है वो 0.948 c है. सो इन दिस वे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल we find the maximum and minimum values of the relative velocities of the two particles. Next we have another problem. In this problem we are given a rod of length L which is held in a vertical xy plane, x-axis being the horizontal direction. The rod makes an angle theta with the x-axis and is held in this position during its entire motion. The rod is given a velocity 0.5 c in the x direction.
what will be the length of the rod as seen by a stationary observer? So given problem में हमारे पास एक rod है whose length is L, which is held in a vertical XY plane, और ये rod x axis के साथ angle theta बना रहा है और इसकी position जो है वो यही position रहती है throughout the motion. इस rod की जो velocity है वो 0.5 c है, which is moving in the x direction. Normally इसको हम Lorentz transformation के थ्रू इसको बेसिकली हम प्रूव करेंगे. Lorentz transformation की मदद से हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली प्रूव किया था और उसमें हमारे पास दो फ्रेम्स होते हैं S एंड S डैश. यहाँ पे हम जो मूविंग रॉड है उसको इटसेल्फ एक मूविंग फ्रेम के तौर पे यूज करेंगे विद अ वेलोसिटी 0.5 c. हम जनरल जो फॉर्मूला यूज करते थे उसमें वी वेलोसिटी जो हम यूज करते थे ऑफ फ्रेम एस डैश की उसकी मूविंग फ्रेम की होती. सो यहाँ पे रॉड जो मूव कर रहा है इट बिहेव्स लाइक अ फ्रेम एस डैश और इसमें जो इसकी वेलोसिटी है वी वो पर्टिकुलर गिवन है दैट इज 0.5 c. अब हमने इसकी लेंथ को देखना है कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए इसकी लेंथ में क्या चेंज आएगी. ये हमें इस क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है. इसको ग्राफिकली हम विजुलाइज कर सकते हैं. दैट इज वी हैव एक्स वाई प्लेन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ था. वी कॉल दिस इज लेंथ ऑफ द रॉड इज एल एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाता है और इसकी लेंथ हमने ऑलरेडी ली हुई है कि वो एल है. और अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें देन वी हैव ये वाला कंपोनेंट जो वाइट कंपोनेंट होगा इस रॉड का वो एल साइन थीटा होगा. और इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो एल कोसाइन थीटा होगा. ये हमने इसकी गिवन कंडीशन के मुताबिक इसका ग्राफिकल बिहेवियर जो है हमने देख लिया. सो दैट हम लिख सकते हैं एल एक्स इज इक्वल टू एल कोसाइन थीटा एंड एल वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा. नाउ इफ वी से एल डैश बी द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन by using the length contraction formula we have L prime x is equal to Lx basically beta L hoga aur beta ki value hamare paas hai 1 minus v square over c square. yahan pe hum v ki value use kar sakte hain because v hame given hai that is velocity of the rod that is 0.5 c. so agar hum wo wali value yahan pe use kare c square will be cancelled out and we have L prime x is equal to Lx into 1 minus 0.5 square whole square root. जबकि इसका वाइथ कंपोनेंट उसमें चेंज नहीं आएगा बिकॉज रॉड जो है वो मूव कर रहा है इन द एक्स डायरेक्शन. देयरफॉर जैसे हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव किया था कि वंस अगर हम उस फ्रेम की मूवमेंट अलोंग एक्स एक्स लेते हैं देन ऑल द अदर डायरेक्शन में आपके अनचेंज वैल्यूज आती हैं दैट इज अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जी एक्सिस द वैल्यूज विल बी अनचेंज. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने चूंकि इसको अलोंग
x एक्सिस लिया हुआ है, देयरफॉर yth कंपोनेंट विल रिमेन सेम, दैट l प्राइम y विल बी इक्वल टू l y, इन बोथ केसेस इट इज l sin थीटा। सो हम यहाँ पे रेस्ट लेंथ बेसिकली उसकी निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रेस्ट ऑब्जर्वर। सो वी हैव l प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू l प्राइम x स्क्वायर प्लस l प्राइम y स्क्वायर। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे यूज करें जो हमारे पास हमने ऑलरेडी निकाल ली है, एल प्राइम एक्स इज इक्वल टू एल एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 स्क्वेयर, और इसको भी हमने एल से रिप्रेजेंट कर लिए। यहाँ पे आप इस एल एक्स की जगह भी एल यूज कर सकते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ था एल एक्स इज इक्वल टू एल कोसाइन थीटा। सो ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं एल एक्स इज इक्वल टू एल कोसाइन थीटा और ये वैल्यूज यहाँ भी यूज करेंगे और एल वाई प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन चूंकि एल दोनों में कॉमन आएगा तो वी गेट एल प्राइम इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस 0.25 कोसाइन स्क्वेयर थीटा। सो ये रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए हमने एल प्राइम को पीछे डिफाइन भी ऐसे किया है कि एल प्राइम बी द लेंथ ऑफ द रॉड एज ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सो ये लेंथ उसको नजर आएगी एंड इट प्योरली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, आई मीन एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जितना इसका एंगल चेंज होता जाएगा उतनी ही स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए उसकी लेंथ जो है वो चेंज होती जाएगी। सो अगर आप एक वेल यूज करें द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज जीरो, तो वो आपके पास वन आएगा इसकी वैल्यू कोसाइन स्क्वायर थीटा की, तो फिर आपके पास इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट जो है वो निकल आएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अगर हम थीटा को 90 यूज करें, वी नो दैट कोसाइन 90 वो जीरो होता है, सो दे वो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। सो वी हैव एल प्राइम इज इक्वल टू एल। सो वंस अगर आपका रॉड जो है या फ्रेम इन द डायरेक्शन एट एन एंगल 90 डिग्री पे मूव करता है तो फिर उस केस में स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए लेंथ भी वही नजर आएगी जो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए रॉड की लेंथ है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा प्लेज अ वाइटल रोल इन द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या जिस एंगल पे आप उसको मूव करवा रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।